मेडल और सर्टिफिकेट को निहालती ये रांची की रहने वाली विमला मुंडा है। सैकड़ों मेडल विमला ने अपने नाम किए हैं और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यह प्रतिभा की धनी खिलाड़ी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हड्डियां बेचकर परिवार का ख्याल रख रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जब यह खबर गई तो श्री सोरेन ने तुरंत रांची के उपायुक्त को मदद पहुंचाने को कहा, साथ ही पूरे झारखंड के खिलाड़ी के लिए भी योजना बनाई जाएगी। सर तो सरकार की तो कभी ध्यान ही नहीं गई है खिलाड़ियों के प्रति, कोई भी खेल हो, केवल कराटे को नहीं बोल रहे, किसी भी खेल पे अभी तक ध्यान नहीं गई है। अगर ध्यान के लिए अभी हम लोग को तो कुछ भी पता नहीं था, बस हम लोग खेल में मगन थे कि हाँ हम लोग स्पोर्ट्स में है, खेलेंगे तो कुछ होगा, सरकार हमारी मतलब हम लोग को नौकरी देगी। अब हम लोग आदिवासी है तो खेती बाड़ी के साथ साथ हम लोग हड़िया भी बेचते हैं, तो उससे ही जो होता है कि इकट्ठा करके रखा जाता है और उसी से फिर हम लोग को भेजा जाता है सर कंपटीशन के लिए। वो बहुत दिक्कत होती है, तो फिर ऐसे तो बहुत आगे बढ़ गई थी, उसके बाद अब नहीं सका थी काम करे, तब हड़िया बेचे थी, हड़िया बेच बेच के कुछ पैसा दिए न छवा पुर दो हजार ग्यारह में जो 34th नेशनल गेम हुआ था उसमें सिल्वर मेडलिस्ट हैं हम। उसके बाद फिर मुंबई में 2014 में हुआ था इंटरनेशनल गेम, उसमें दोनों फाइट और काता दोनों में गोल्ड मेडल है। फिर उड़ीसा में हम लोग का जो एसोसिएशन होता है उसका स्टेट नेशनल गेम होता है, उसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों मतलब हर साल होता है, तो हम लोग को वहाँ पर हर साल प्रेजेंट करना पड़ता है, तो वहाँ पर दोनों मिलता है, गोल्ड और सिल्वर दोनों लिए। मेडल देखिए सर, मेडल इतने सारे हैं कि अब तो काउंट भी भूल गए, क्योंकि बहुत ऐसे मेडल है जो टूट भी गए, बहुत के कलर निकल गए लिए। मेडल देखिए सर, मेडल इतने सारे हैं कि अब तो काउंट भी भूल गए, क्योंकि बहुत ऐसे मेडल है जो टूट भी गए, बहुत के कलर निकल गए।